दुनिया में गर्मी का मौसम था, हर चीजों में समृद्धि का वक्त। दुनिया में आए पहले लोग बड़े समुद्र से अपने भोजन के लिए मछली लेने आए। सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, गाना गाते हुए, जाल लाते हुए, सभी ने, लेकिन एक ने, तो फिर सबने कैसे किया? मैंने किया काफी अच्छा। और तुमने कैसे किया? तुम ये समझे? तुम समझे ना भाई। हे, ये सब कौन है? ये हमारे बच्चे हैं, विनायक जी, टर्स और वीडी। और वो कौन है? रेवन, तुम उन्हें जानते हो? वो फीना, ग्वाय, क्वॉस, आबास, ग्वेयम और इगिस हैं। वो सभी सीप से आए हैं, याद आया? वो सीप जो तुम्हें बीच पर मिला था, इन लोगों से भरा हुआ था। ओह, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लगता है जैसे तुम टोपी दोबारा रखोगे विना, और हमें कभी इसकी चिंता नहीं करनी है कि ग्वाई इसे जीत रहा है। तुम चिंता मत करो, हर किसी के पास कोई ना कोई काबिलियत होती है, तुम्हारे पास मछली पकड़ने की नहीं है। क्या कोई खाने के लिए नहीं जा रहा है? ग्वाई कहाँ है? वो मछली पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था, तभी मैंने उसे देखा। मुझे तो लगता है उसको जंगल में वक्त बिताने की आदत हो गई है। अजीब लगता है, तुम्हें क्या लगता है वो क्यों गया है? दरअसल जब वो एक ही मछली लाया तो मुझे उस पे थोड़ा शक हुआ, हो सकता है वो कोई दूसरा तोहफा ढूंढ रहा हो। वो देखो आ गया। तुम आ गए ग्वाई? हाय ग्वायम। हे ग्वाई, हे ग्वाई, तुम क्या छुपा रहे हो? ये गिफ्ट है क्या? रुको, मुझे सोचने दो, ये एक मिनो है। जरा रुको, मैं देखना चाहूंगी कि वो क्या लेकर आया है। इसको मैंने जंगल में बनाया है। क्या है ये? ये तुम हो। मैं? मेरा मतलब तुम और रेवन। ये लकड़ी का है। ये तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। ये किस तरह का तोहफा है? शुक्रिया ग्वाय। हाँ, ये वाकई लकड़ी ही है। हाँ शुक्रिया ग्वाय, जलाने के लिए और लकड़ी चाहिए हमें। चलो खाओ। हाँ ग्वाई, ये रहा तुम्हारा ग्वाई और रेवन ने रोशनी बहुत दूर फेंक दी, जिसे कोई भी, यहाँ तक कि ईगल भी कभी नहीं पकड़ पाया। हेलो ग्वाई। हाय फ्रॉग। हाय बच्चों। हाय मिस्टर ग्वाई। हाय डैड। वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, बस लकड़ी का टुकड़ा। ये लकड़ी हमें देखने दो। देखो, कुछ पुरानी लकड़ियाँ। हर कोई ये नहीं सोचेगा ग्वाई
तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे लोग हैं जो लकड़ी को देख सकते हैं, जो तुमने इसमें रखा है उसे देखने के लिए। एक दिन तुम समझ जाओगे ग्वाय। अब बच्चों, क्या तुम दूसरी कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें समुद्र भेड़िये की कहानी सुनाऊंगा और कैसे यहाँ समुद्र में लहरें आई। सभी चीजों की पहली शुरुआत के समय जब महान आत्मा ने पूरी दुनिया को बनाया, उसके बाद उसने आसपास देखा और उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने दुनिया के सभी जानवरों से उसके लिए खाना लाने को कहा, लेकिन उन दिनों वो हिल नहीं सकते थे, जैसा कि वो तब भी पत्थर के रूप में हो। जब सिर्फ रेवन और ईगल ही हिल पाने में सक्षम थे और वो अपना सारा वक्त लड़ने में बिताते थे। सिर्फ रेवन और ईगल के अलावा एक और, वो था समुद्री भेड़िया। समुद्री भेड़िए ने महान आत्मा की पुकार सुनी और जवाब दिया। महान आत्मा ने मछली को पकाया और वो रेवन और ईगल ने भरपेट खाया। समुद्री भेड़िए ने महान आत्मा की पुकार सुनी और जवाब दिया। महान आत्मा ने मछली को पकाया और वो रेवन और ईगल ने उसे भरपेट खाया। तब उनका पेट भर जाने के बाद उन्हें बहुत नींद आने लगी और समुद्र में समुद्री भेड़िया उस महान आत्मा के द्वारा शुक्रिया अदा करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन महान आत्मा सोती रही और अंत में उसकी भावनाएं आहत हो गई। उसने अपने बड़े हाथ का इस्तेमाल किया और पानी में बहुत जोर से मारा, जिससे एक जबरदस्त लहर पैदा हुई और जमीन पर जा टकराई और उससे महान आत्मा रेवन और ईगल जाग गए। समुद्री भेड़िया, समुद्री भेड़िया की बात पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें नहीं होगा, लेकिन किसी को तो होगा, और जिस किसी को भी होगा उसे एक अच्छा नया दोस्त मिल जाएगा। चलो खाना खाते हैं। हाँ, चलो चलो अभी चलो खाते हैं। समुद्री भेड़िया, हो सकता है वो मेरी मदद करे मछली पकड़ने में। मिस्टर समुद्री भेड़िया, हेलो हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हेलो ग्वाय। hey, ओ मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? तुम किस बारे में फुसफुसा रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो उस समुद्री भेड़िये को बुला रहा था। तुम्हें समुद्री भेड़िये का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे भी ज्यादा जोर लगाना होगा। लेकिन मुझे कोई और तो नहीं सुन लेगा? तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ जो समुद्री भेड़िये को बुला रहा हूँ। ग्वाय, अगर तुम सच में किसी पर यकीन करते हो तो तुम्हें ये कभी धीरे से नहीं बोलना चाहिए, बल्कि चिल्लाना चाहिए ताकि सब सुन लें। समुद्री भेड़िये, ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। फ्रॉग, 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 एक समुद्री भेड़िया। हाँ। समुद्री भेड़िया, तुमने मुझे बुलाया, प्लीज मुझे खाना मत। मैं तुम्हें खाऊंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तुमने मुझे बुलाया तो मैं चला आया, जैसे मैं बहुत अरसे पहले महान आत्मा के लिए आया था। तो क्या ये सच है? ओ हाँ, ये सब सच है। मैं असली हूँ और मैं समंदर में कोई भी मछली पकड़ सकता हूँ। कोई भी मछली?
हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा बिना शुक्रिया के। ठीक है, तो आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ? वो टोटेम्स, क्या तुम वो मेरे लिए एक बना सकते हो? हाँ क्यों नहीं। तो फिर तुम्हें जितनी मछलियाँ चाहिए मैं ला कर दूंगा। कैसे? सबसे पहले तुम्हें एक बड़ा जाल बनाना होगा, कल बाकी लोगों के साथ समंदर में आ जाना। तुम्हें जितनी मछलियाँ चाहिए मैं लाऊंगा। तुम्हारा जाल इतना भर जाएगा कि उन्हें पकड़ने में सारा दिन लग जाएगा। बदले में बस तुम्हें ये करना है कि मेरे लिए बस ये एक बनाना है, ताकि मैंने जो किया है मैं उसके लिए याद रखा जा सकूं। मंजूर है? मंजूर है। गुआई ने वैसा ही किया जैसा समुद्री भेड़िये ने कहा। एक बड़ा जाल बनाने के लिए सारा दिन काम किया। अगले दिन गुआई समुद्र में गया। सारा दिन वो अपनी नाव पर अपने जाल के साथ एक किनारे पर बैठा रहा। सभी लोग उसे देख हैरान हो गए कि वो क्या कर रहा था। दिन के आखिरी में सारी नावें और जाल अंदर लाई गई। हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि गुआई की टोकरी में क्या होगा। दोबारा कुछ नहीं गुआए। ओहो, इसका सामना करो, तुम बस एक मछुआरे नहीं हो। वो क्या है? ये जाल है, ये सब नहीं पा सका। क्या? बहुत सारी मछलियाँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ये तुम्हारे लिए, तुम ही इसके हकदार हो। उस रात उत्सव में गुआई के सम्मान में एक बड़ी दावत रखी गई, जो एक ही दिन में उतनी मछली लाया था जितनी गांव वालों ने कभी देखी नहीं थी। कुछ भूल रहे हो गुआई? मुझे तो नहीं लगता है। क्या याद करना है? ओ गुआई, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन किसी ने भी मछली के लिए बाहर जाने की तकलीफ नहीं उठाई, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत थी, इसलिए उन्होंने दोबारा दावत की। कई दिनों तक वो घर पर ही रहे और ठंडी बढ़ने लगी और मछली पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। और जहाँ तक गुआई, उसे तो ये तक याद नहीं रहा कि उसने समुद्री भेड़िये से क्या वादा किया था, लेकिन समुद्री भेड़िये को याद था।
मेरी सारी मछलियाँ गायब हो गई। मेरी भी सारी मछली गायब हो गई। और मेरी भी। इधर देखो निशान। ये निशान तो बहुत बड़े हैं। हमें हमारी मछलियाँ वापस नहीं मिलेगी क्योंकि वो विशालकाय हैं। अगर हम इन निशानों का पीछा करें तो हम चोर को पकड़ सकते हैं। वो सही है, ऐसा नहीं किया तो हम भूखे रह जाएंगे। ये तुम्हारे लिए, हमें इस निशान का पीछा करना होगा अपनी मछलियों को वापस पाने के लिए। चलो आ जाओ। तुम्हें पता है उन मछलियों को कौन ले गया? समुद्री भेड़िया। और तुम्हें पता है वो उन्हें क्यों ले गया? क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही। अभी बहुत देर हो चुकी है गुआई, जैसा तुमने वादा किया था वैसा करो, और ना सिर्फ तुम गांव वालों को बचाओगे बल्कि तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी बन जाएगा। आपको कैसे पता? मुझे बस पता है गुआई, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा और खुद पर भी विश्वास रखो। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छे गुआई, बहुत ही अच्छे। क्या तुम तैयार हो? अब चलो अपनी मछलियाँ वापस लाते हैं। चलो चलते हैं अपनी मछलियाँ लेने। देखो गवाई ने हमला कर दिया। मेरे दोस्त को तुमने नुकसान कैसे पहुंचाया? नहीं ऐसा मत करो, वो मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? इसका मतलब ये जानवर? ये जानवर नहीं है, ये मेरा अच्छा दोस्त है और अपनी दोस्ती निभाई इसने, और मैंने नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे जाल में मछलियां लाने वाला यही है। अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये उन्हें वापस क्यों ले गया? क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए ये बनाऊंगा, लेकिन हाँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बना दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो मछलियां आप लाए थे, और सब मुझे ताने मारेंगे और मैं बेकार हो जाऊंगा। बेकार? हमने तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। वो कैसे कह सकते हैं? तुम एक महान कलाकार हो और सबको ये जरूर दिखाना चाहिए। मैं हूँ? उन्हें दिखाओ गुआई, उन्हें वो टोटम दिखाओ जो तुमने मेरे लिए बनाया। हाँ जरूर। ये तो कमाल है, तुम एक कलाकार हो। मैं तुम्हारी मछलियां तुम्हें वापस दूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि ग्वाय ने जो मेरा टोटम बनाया है वो कुछ दिन तुम्हारे गांव में रहेगा। हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।
अब ये हमारे गांव में सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। समुद्री भेड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ग्वाय, मैं समझ गया। सुनिए, क्या आप हमारे गांव चल सकते हैं? हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। हाँ जरूर। तो गांव वाले अपनी मछलियां लेकर घर वापस गए और ग्वाय और उसका टोटिम भी वापस लाने में समर्थ रहा। उस रात सभी लोग दावत के लिए इकट्ठा हुए। और रही बात समुद्री भेड़िये की, बहुत लंबे अरसे के बाद आखिर वो मुस्कुराया। तो ये थी आखिरकार एक खुशियों की सर्दी।